ये इतने सारे आलू कहाँ से आए मम्मी? हमने बोरी में आलू लगाए थे रॉबिन, जो कि अब पक चुके हैं। एक काम करो, क्योंकि ये हमारी पहली फसल है, इसीलिए इनमें से कुछ आलू लो और मंदिर में गाय को खिलाओ। ठीक है मम्मी। अब ये एक आलू किसे खिलाओ? ये आलू तुम मुझे दे दो। नहीं, ये आलू तुम मुझे दे दो। इसे खिलाऊंगा तो वो बुरा मान जाएगी और उसे खिलाऊंगा तो ये बुरा मान जाएगी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करो, हैं? तुम ये आलू मुझे दे दो। लेकिन मम्मी ने तो कहा था इन्हें गाय को खिला दो। हाँ, पर मम्मी के बोलने का मतलब तो यही था ना कि किसी भूखे के पेट में खाना जाना चाहिए, क्योंकि जब किसी भूखे के पेट में खाना जाता है तब दुआ बाहर आती है। ओ, समझ गया। हाँ। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए भी कुछ है? मुझे बहुत भूख लगी है, 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया। ठीक है, एक काम करता हूँ, इस आलू के 2 टुकड़े कर देता हूँ और तुम दोनों खिला देता हूँ। नहीं नहीं, तुम ये आलू मुझे नहीं चूहे को ही खिला दो, क्योंकि कुत्ते कच्चा आलू नहीं खा सकते। हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और क्या क्या है जो कुत्ते नहीं खा सकते? बहुत सारी चीजें, जैसे कि किशमिश, कच्चा लहसुन, प्याज, ज्यादा नमकीन और मीठी चीजें, और इनके अलावा चॉकलेट। चॉकलेट तो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। ओ, समझ गया, एक काम करता हूँ, पहले छुए तुम ये आलू खा लो और तुम्हारे लिए ये स्पेशल डॉग वाला बिस्किट। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरे तो कई सारे नाम हैं। कोई मुझे भाग जगे नाम से बुलाता है, तो कोई डरावना है। ये कैसा नाम है और किसने रखा ये नाम? मैं कहीं किसी को खाना मांगने जाती हूँ तो लोग बोल देते हैं भाग जा, और प्यार से मैं किसी के पास जाती हूँ तो लोग बोल देते हैं ये तो डरावना है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छा नाम देता हूँ। हाँ, आज से तुम्हारा नाम चटोरी। अरे तुम इतने पीछे क्यों चल रही हो, मेरे साथ चलो। लेकिन इतना गंदा डॉग तुम्हारे साथ चलेगा तो तुम्हें शर्म तो नहीं आएगी? अरे यार, मुझे क्यों शर्म आएगी? शर्म तो उन्हीं बातों से आनी चाहिए जो शर्मनाक हो, जैसे कि चोट पहुंचाना, झूठ बोलना और चोरी करना। तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि मम्मी ने मुझे सिखाया है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग।